सावन के महीने का आज पहला सोमवार है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से फ्रेंड्स का व्रत भी है, लेकिन पूजा तो हर घर में होती है। सावन का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना मानते हैं। हर घर में इन दिनों शिव जी की पूजा आराधना जितना पॉसिबल हो ज़रूर करते हैं सभी लोग। आज शुभी का मन हुआ कि चलो रंगोली बनाते हैं। बहुत दिनों बाद, जब से कोटा से आई है अभी इस बार एग्ज़ाम्स के बाद, पहली बार उसने रंगोली बनाई है। वो बहुत बार बोलती थी कि मैं बनाऊं क्या, बनाऊं क्या, किसी भी बीच बीच में अभी फेस्टिवल में, पर मैं कहती थी बहुत गर्मी है शुभी, अभी रहने दो, क्योंकि फ़ैन बंद करके फिर बैठ के उतनी देर रंगोली बनानी होती है। अभी थोड़ा मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो आज फ़ैन बंद करके फिर उसने रंगोली बनाई है और बहुत ही अच्छा लगा शिव जी की रंगोली। और दोपहर में ही बन गई थी उसकी, मतलब सुबह के टाइम पे ही, फिर उसके बाद शाम को ये सब पूजा वूजा आरती। और कल जो मैंने चाफा का फूल यानी कौन सा चंपा के फूल के बारे में बोला था ना, तो वो भी एक आज फिर कोई कमेंट आया है कि सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शिव जी को तो खासकर लोग चढ़ाते ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें हर दिन, यही मेरी अभिलाषा है। आज इस लाइन को बोलते हुए मुझे कुछ याद आ रहा है, कल का एक कमेंट था। सुवर्णा जी हैं जो कि मेरी रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके, उन्होंने कल लिखा कि अभिलाषा ये कमेंट, ये लाइन जो है कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, ये आपको नींद में भी याद रहती होगी, तो सपने में भी यही लाइन याद आती होगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे याद है जब से मैंने ये लाइन बोलना शुरू किया है, आप सबके लिए विश करना शुरू किया है, तब से मेरी अभिलाषा वाली लाइन मुझे रटी हुई है। मतलब मगर हेलो एवरीवन करके कभी दूसरे वीडियोस के लिए भी कभी इंट्रो करती हूँ तो मेरे मुँह से यही निकल जाता है। तो मुझे बहुत हंसी आई और उनकी कमेंट में मैंने रिप्लाई किया कि हाँ, रोज़ तो सपने में नहीं आता लेकिन आज ये सपने में ज़रूर आएगा। एक्चुअली आज ये लाइन बोलते हुए मुझे उनका वो कमेंट ज़रूर याद आया। वो होता है ना कि जब कोई चीज़ के रिलेट कोई चीज़ जुड़ी हुई कोई बात हो तो वो उस टाइम पे ज़रूर याद आनी है, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे। तो अभी ये लाइन बोलते हुए उनका कमेंट याद आना स्वाभाविक था। आज का ब्लॉग क्या है वो तो खैर बनेगा ही, डिनर में क्या बनना है और थोड़ा सा मानसून को ख्याल में रखते हुए कुछ चटपटा सा बनेगा, अतरंगी सा। आज बनेगी बाटी, सत्तू की बाटी, लिट्टी भी कहते हैं उसको, चोखा भी बनाते हैं तो, लेकिन मैं चोखे में थोड़ा ट्विस्ट करूँगी क्योंकि मैं बैंगन मंगवा रही हूँ लेकिन बैंगन अच्छा नहीं मिल रहा था, भरित वाला जिसका भरता बनता है वो बैंगन नहीं मिल रहा, तो फिर मैं आलू का चोखा बनाऊँगी और चटपटी लहसुन वाली चटनी बनाऊँगी, मिक्स दाल बनाऊँगी और सत्तू की मज़ेदार सी बाटी बनेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करूं, मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहती हूं, क्योंकि जितने भी कमेंट्स मैं रीड करती हूं ऑलमोस्ट मैं नाम से पहचानती हूं उनकी डीपी, उनके कमेंट्स आईडी, हर चीज़, और उनकी लिखी हुई लाइन से भी मैं रिलेट कर जाती हूं कि हाँ ये बात उन्होंने कही होगी, किस लहजे में कही होगी। तो थोड़ी सी पर्सनल मैं भी होना चाहती हूं आपके साथ, हो जाऊं ना। तो मेरा एक छोटा सा पर्सनल सा सवाल आप सभी से ये है और मैं चाहती हूं कि प्लीज़ सभी लोग जवाब देना, अच्छा लगता है पढ़ के। कभी 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 मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब टाइम रहता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, जैसे कि इन दिनों में ज़रूर रीड कर पा रही हूँ सबके कमेंट्स। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे थे स्कूल डेज से, तो आपको क्या बनना था, किसको किसको स्कूल में पढ़ाई करते वक्त क्या बनना था, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्या क्या क्या, कुछ भी, मतलब हर किसी, हर बच्चे की अपनी चाहत होती ना, हाँ मुझे ये बनना है या मैं ये बनूंगी, मुझे ये पढ़ना है। तो दो तीन क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या बनना था, क्या मन में इच्छा थी या यूं ही सिर्फ पढ़ाई करनी थी, पढ़ने का कोई एम्बिशन था या किसी खास पद या किसी खास पोस्ट के लिए या कुछ काम के लिए आपकी खास रुचि थी, या फिर ये बताओ कि पढ़ाई पूरी हो गई थी शादी से पहले, कि कुछ लोगों ने शादी के बाद भी पढ़ाई अपनी उस पढ़ाई वाली शिद्दत के लिए, चाहत के लिए बाद में भी मेहनत करी है, बच्चे कच्चे हो गए, बहुत से लोग कहते हैं ना कि शादी हो गई बच्चे हो गए फिर भी हमने ये पढ़ाई करी वो पढ़ाई करी, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुझे जानना है, उससे भी ना दूसरों को सुन के जान के हिम्मत मिलती कि हमें कुछ करना है या हम अभी भी कुछ कर सकते हैं, या हमने वो करना था तो देखो हमने कितनी मेहनत की उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि करना तो पड़ता ही है कुछ पाने के लिए, है ना।
तो ये सब बताओ मुझे। और ठीक है, मैं अपने बारे में पहले बता दे रही हूँ, वरना शुरू मैं ही कर देती हूँ, वरना ही होगा तुमने तो पूछ लिया, ब्लश हमें तो बताया नहीं। मैं ना बीएड करना चाहती थी जब मेरा एमए हो गया था संस्कृत से, तो ग्रेजुएशन में मेरा फिलॉसफी हिस्ट्री और संस्कृत था, और जब मैंने पीजी किया है एमए तो मैंने संस्कृत से किया था। फिर एक मेरा डबल एमए भी है जो कि मैंने, मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी और फिर शादी हो गई थी, तो वो मेरा सोशियोलॉजी से था, सोशियोलॉजी से एमए। तो फर्स्ट ईयर हो चुका था, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स मैंने मिसेज अभिलाषा गुप्ता करके एग्ज़ाम देने गई थी, और बस उसके बाद कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि मेरी शादी के टाइम पर पापा ने बोला था किसी को कि इसको पढ़ना है, आगे कुछ करना है, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। मतलब मैं बीएड करके ना टीचर बनना चाहती थी, कुल मिला के ये था। और फिर वो जो दिन था उसके बाद से कभी पढ़ाई लिखाई का कोई अवसर मिला नहीं, मैं नहीं पढ़ सकी। मुझे जानना है कि कितने लोगों को पढ़ना था, उन्होंने बाद में कितने लोगों ने पढ़ाई करी और कितना स्ट्रगल किया अपनी उस चीज़ को पाने के लिए, और क्या क्या बनना चाहते थे सब लोग, पहली बात तो ये भी मुझे जानना है। तो मतलब जिस जो भी सवाल जिस पे रिलेट करें, जो लोग जॉब करना चाहते थे वो जवाब दे दें, जो लोग नहीं करना चाहते थे सिर्फ एमए पढ़ना चाहते थे तो वो बताओ, या फिर किसी ने शादी के बाद पढ़ाई करी है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है, उस तरह से करते कराते नहीं भी सोचा था लेकिन वो किस्मत में था, जैसे कि एक ही लाइन, हर मर्ज की दवा एक होती है, वैसे ही हर दुख दर्द में इंसान को एक ही सांत्वना देता है कि परेशान न हो, हुई है वही जो राम रची राखा, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तो मुझे ये भी जानना है कि किसी को पहले कुछ नहीं करना था लेकिन चूंकि भगवान ने ऐसा चाहा था, वो लिखा था और उनको वो आपात मिल गया, तो ये भी मुझे जानना है कि किसको यूं ही मिल गया जो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम तो यूं ही पहुंच गए यहां से वहां, तो ये भी मुझे जानना है ताकि ये चीज निश्चित हो जाए कि जो लिखा है वही होना है, चाहे तुम कुछ करो, हाथ पैर मारो और चाहे ना मारो, वो तो होके रहेगा। तो ये भी सुनने और जानने को मिलेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, देखो पर्दे कैसे उड़ रहे हैं, हिल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मौसम में काम करना मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे गर्मी में काम करना पसंद नहीं है, मुझे दड़बे में ऐसे पैक घर, पैक रसोई, गर्मी चिप चिप, उससे तो मेरी मतलब पूरी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, हिल जाता है दिमाग का जो स्क्रू है, काम ही नहीं करना होता, हाथ पैर ही नहीं चलते कुछ भी। लेकिन ऐसे मौसम में चाहे जितना भी काम करा लो, करते रहो और मौसम का आनंद लेते रहो, वैसा लग रहा है। बिना फैन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ना इस जगह पे तो ठीक हो, वहाँ से जो हवा आई जा रही है ना, मज़ा आ रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ, फिलहाल मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रखा था तो वो आलू मैं निकाल लेती हूँ और फिर आगे शुरू करते प्रोसेस। यहाँ तो देखो सत्तू मिलता नहीं है, तो ये हमने ऑनलाइन लिया है अमेजोन से सत्तू का पैकेट, और सत्तू इसी के साथ में है ये लिट्टी का मसाला, और साथ में है ये सत्तू जीरा कूलर, यानी सत्तू का जो शरबत बनता है उसके लिए ये है जीरा पाउडर, और ये लिट्टी पाउडर, और ये सत्तू का, तो इसी से मैं बनाऊंगी आज। शाम को मेरी चाय होने के बाद ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अभी मैंने कुकर से हटा दिया है। पानी थोड़ा सा डालना चाहिए आलू उबालते समय ना, तो पानी सोक नहीं करते हैं, और जैसे ही वो पूरी स्टीम निकल जाए तो आलू निकाल लेना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 5 तरह की दालें ली हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, और ये मसूर की दाल, फिर डाली है चने की दाल, और फिर लास्ट में लिया है तुअर दाल। ये सभी दालें बिना छिलके वाली ली हैं मैंने, जैसे मूंग है, मसूर है, या फिर उड़द है, आप चाहें तो छिलके वाली भी ले सकते हैं, छिलके वाली का भी टेस्ट और ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने कुकर में लिया है घी गर्म करके, और इसमें डाला है बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा और हरी मिर्ची, साथ में अदरक कद्दूकस किया हुआ और चुटकी भर हींग। अब तड़का लगाने के बाद मैंने डाला है टमाटर, और टमाटर डाल करके मिक्स कर लिया है, एक ही टमाटर डाला है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर ज़रा सा, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, ये 4 सूखे मसाले डाल के, साथ ही मैंने नमक डाला है, और ये मैंने 5 दालें जो धुल के रखी थी, धुली हुई दालें डाल दी हैं। बस दाल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है, सूखे मसाले हल्के हल्के डाले हैं, जैसे धनिया या फिर लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि ये पंचमेल दाल है, थोड़ी मसालेदार बनेगी तो ये टेस्टी लगेगी। आप चाहो तो पहले सिर्फ दाल बॉईल करके फिर बाद में तड़का कर सकते हो, मैंने तड़के के साथ ही दाल को उबालने रख दिया है।
अब जो आलू मैंने उबाल के रखे थे उसे छीला है और उसके साथ ही सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग सब एक साथ कर लिए है। अब एक बर्तन में मैंने लिया है उबले हुए आलू, वैसे चोखा बना रही हूँ मैं आलू का। इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है, ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक टमाटर, अदरक कद्दूकस किया हुआ एक चम्मच और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, साथ में मैंने नमक डाला है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, शुभम को थोड़ा कम पसंद है सरसों के तेल की झाग इसलिए मैंने नहीं डाला है। और इसमें आधा नींबू का जूस भी मैंने डाला है, इससे और अच्छा वाला खट्टा बनाता है क्योंकि प्याज वगैरह डली है ना, थोड़ा सा फीकापन नहीं लगता है। वैसे इसमें मसाला भी मिक्स करते हैं पर मैं इसमें ऐसे सादा चोखा बनाया है मैंने। अब मैं बना रही हूँ हरी तीखी चटपटी चटनी लहसुन वाली, तो ढेर सारा हरा धनिया लिया है, धनिया लहसुन की चटनी बनेगी। इसमें ज़्यादा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्ची और साथ में डाले हैं लहसुन, क्योंकि ये लहसुन धनिया की हरी चटनी है। और इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, आप चाहो तो जीरा भी डाल सकते हो। और यहाँ पर लेमन जूस डाला है। अब सबको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो ये धनिया लहसुन की चटनी तीखी चटपटी, मतलब इस सीज़न में ना ये चटनी कुछ बारिश के सीज़न में कुछ अलग ही टेस्टी लगती है। बस नींबू का हल्का खट्टापन रहेगा, हरी मिर्ची का तीखापन, धनिया का फ्लेवर और लहसुन का एक जो स्वाद है वो धनिया वाली चटनी लहसुन की। अब चटनी भी बना के मैंने साइड में रखी है। और जो मैंने दाल बनाई थी, दाल अच्छी परफेक्ट बॉईल हो गई, एक विसल आई थी फिर मैंने धीमी कर दी थी और उसके बाद धीमी आंच में भी 3-4-5 सीटी ले ली हैं और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, तो ये हमारी पंचमेल दाल रेडी है। वैसे तो लिट्टी चोखा ही बनाते हैं लोग हरी चटनी के साथ, बच्चों को दाल भी पसंद है सूखा सूखा ना लगे, इसलिए मैं अक्सर बनाती हूँ। ये है गुडी फाई द सत्तू पराठा इन लिट्टी मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब ये मसाला लिया है, इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाली है, लेमन जूस डाला है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ घी, तो 4-5 चम्मच के करीब घी डाल लो। आप चाहो तो इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं क्योंकि सरसों के तेल का टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वही डाला जाता है। पर वही है, शुभम को ना कच्चे सरसों के तेल की महक से थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैंने नहीं डाला, घी डाला है और अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है। साथ में मुझे इसमें लहसुन डालना था तो मैंने ये चटनी ही डाल दी है, क्योंकि ये धनिया मिर्ची और लहसुन वाली चटनी है तो लहसुन का स्वाद उसमें आ जाएगा। आप चाहो तो बारीक लहसुन डाल सकते हैं। अब गेहूं के आटे में नमक डाला है, अजवाइन डाला है और घी का अच्छा मोयन चाहिए। जैसे कि अगर 2 कप गेहूं है तो करीब 1/4 कप घी लग जाता है 2 कप गेहूं में, क्योंकि ये जितना ज़्यादा मोयन रहेगा उतनी खुशखुशी बनेगी। फिर बाद में घी आपने डालना है या नहीं डालना है, कम डालना है चल सकता है, क्योंकि वो आटे का है ना तो उसमें खस्तापन चाहिए, जैसे मोयन हम लोग मछली वगैरह की लगाते हैं। अच्छे से पहले पूरा मोयन को मिक्स कर लेना है, फिर पानी का छींटा लगाते हुए एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार किया, दोबारा फिर से इसमें थोड़ा सा घी लगा करके 2 चम्मच के करीब फिर से मल लिया डो को, जो हमने डो तैयार किया था नरम सा होना चाहिए और मसलेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट सा डो हो जाएगा। और अजवाइन का टेस्ट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये पापड़ी होती है खाने में अच्छी लगती है, सोंधी सोंधी सी जब ये सिकती है, और ये जो फिलिंग है इसको हम अच्छे से पैक कर लेंगे। जितना आटा समझो हमने लोई लिया ना, अगर उतना ही लड्डू बना करके पूरा 2 चम्मच जैसे भर के पूरा पैक कर देंगे, लास्ट में जो एंड है वहाँ पर थोड़ा सा चुटकी से ऐसे 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 करके पूरा चिपका देंगे आटे से आटा, तो वो पूरा पैक हो जाता है, निकलता नहीं है, क्योंकि हमें इसको फ्राई तो करना नहीं होता है, हमें इसको धीमी आंच में सेंकना होता है। लिट्टी सेंकने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि मैं पहले भी माइक्रोवेव में भी करके दिखा चुकी हूँ, वो वीडियोज़ आपने देखे होंगे, या फिर गैस में आप जाली रख करके भी सेंक सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन जो मुझे वाकई बहुत पसंद आया, जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर अगली बार भी बनाऊँ तो मैं उसको ही ट्राई करूं, तो वो है आपे स्टैंड में। कढ़ाई में भी सेक चुकी हूं मैं, जाली लगा के भी गैस में सेक चुकी हूं, माइक्रोवेव में सेक चुकी हूं, तो मैं आपे मोल्ड में धीमी आंच में लिट्टी सेकना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। जब तक धीमी धीमी आंच में लिट्टी हमारी सिक रही है आपे पैन में ना, बहुत अच्छी लिट्टी सिकती है, तब तक अभी मैं बना रही हूं जीरा कूलर। यही सत्तू का ही जीरा शरबत जो बनता है ना नमकीन वाला, वही है। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, बस पानी के साथ मिक्स करना। और ये है सत्तू जीरा कूलर। तो नॉर्मल जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, बस ग्लास में आपको डालना है, तो मैंने 2-2 चम्मच डाला है ग्लास में पाउडर और पानी डाल करके मिक्स कर लिया। ये छोटे ग्लास हैं, अगर आप बड़े ग्लास भर के बना रहे हैं तो जैसा आपका टेस्ट पसंद हो वैसा ही डाल करके उसको मिक्स कर लेंगे। मैं और शुभी पी रहे हैं ये जीरा कूलर, टेस्टी है।
अब यहाँ पर लिड हटा करके मैंने चेक किया है, धीमी आंच रखी है, आंच को तेज़ नहीं करना है। और ये कास्ट आयरन का अपम पैन है तो ये अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं। ये तो बात मैंने पहले भी बोली है, आपे तक इस वाले मोल्ड में बहुत अच्छे बनते हैं। करारापन जो कास्ट आयरन में आता है वो नॉन स्टिक में नहीं आता। तो ये जो मैं आपे बना रही हूँ ये मैं कास्ट आयरन में बना रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक अपम पैन है तो उसमें ये इस तरीके के नहीं बनेंगे जैसी की तारीफ़ मैं कर रही हूँ। फिर तो आप गैस की जाली में धीमी धीमी सेकें, वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर माइक्रोवेव में बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप अपम पैन यूज़ करते हैं तो कास्ट आयरन का ही लेना, उससे करारापन बहुत अच्छा आता है। एक तो वज़नी होते हैं, भारी, धीमी आँच में मस्त गर्म हो जाते हैं और फिर वो सिकते रहते हैं। सोंधापन भी अच्छा आता है क्योंकि वो लोहे का बर्तन जैसा रहता है ना, उसे बढ़िया आता है, सोंधापन भी रहता है। अब ये मैंने प्लेट लगा दी है, चटपटी चटनी, चोखा और पंचमेल दाल, और दो प्लेट लगी हैं क्योंकि गुप्ता जी अभी नहीं आएंगे, उनका फ़ोन आया है, उनके ही सेक्शन में डेजरमेंट हो गया है। बारिश का सीज़न है तो रेलवे वालों की दौड़ भाग है, 11 बजे के बाद ही आने वाले हैं। दाल के ऊपर मैंने घी डाली है, वैसे आप लिट्टी फोड़ेंगे ना तो उसके ऊपर से भी आप घी डाल के सर्व करना तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि गरम गरम लिट्टी में जैसे ही घी डालते हैं फोड़ करके तो वो एकदम घी सोख कर लेती हैं। इतनी खस्ता बनी है ना पापड़ी की, ऐसे एक हाथ से भी ऐसे प्रेस करो तो खुल जा रही है वो, और बहुत ही ज़्यादा सोंधापन है क्योंकि जो आटा है वो धीमी धीमी आँच में सिकता रहा ना, बहुत बढ़िया। तो बस बाकी का बैच जो बची हुई थी लिट्टी वो भी मैंने धीमी आंच करके रख दिया है। बच्चों का खाना हो जाएगा, फिर रसोई साफ़ करना रोज़ का ही काम है, और गुप्ता जी तो 11 बजे के बाद ही आने वाले हैं। वापस से गर्म करके ही फिर खाना दूंगी मैं। और बारिश का इंतज़ार मैं कर रही थी, और बारिश ड्यूटी वालों के लिए ख़तरा ही, एक तरीके से उनका काम बढ़ जाता है। बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।